हेलो आदाब, खुश आमदेद। नदीम आपका शेफ फ्रॉम मज़ेदार किचन दोबारा हाजिर है एक नई डिश के साथ। ये आज की डिश जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, कबाब है ये बीफ का, और इसको फॉट में बनाएंगे तो फॉट कबाब है, आप हांडी कबाब भी बोल सकते हैं इसको। मसाले बहुत सिंपल हैं इसमें और इसको मैरिनेट करना पड़ेगा, तो प्रिपरेशन टाइम है इसका 2 से 3 घंटे। आप इसको मैरिनेट करें और उसके बाद फिर इसको हांडी में पकाना शुरू करेंगे। और आप प्रोसेस देख लीजिएगा, प्रोसीजर देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ वॉच करना है इसको और ये पकेगा खुद ब खुद। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये पार्टी की जान भी हो सकती है और बड़े मज़े से इसको आप पार्टी में सर्व कर सकते हैं, और देखने में बड़ी अच्छी होती है और ज़बरदस्त खुशबू आती है। इसको पराठे के साथ खाइए या राइस के साथ, उसमें सैलड और रायता डाल लें, या आप इसको सैंडविच में भी बना सकते हैं, इसके सैंडविच भी बना सकते हैं बड़े मज़े से। तो ये जबरदस्त मल्टाई पर्पस डिश है, इसको बनाना शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा, बी विद मी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी रेसिपीज फौरन मिल जाएं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको ज़रूर लाइक करें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये पॉट कबाब या हांडी कबाब जैसे बोलते हैं, उसका मसाला ये बड़ा सिंपल सा होगा। तकरीबन 2 पाउंड बीफ ले लें, उसको टुकड़े करवा लें पतले पतले और उसको कट लगवा लें हल्के हल्के। इसको मैरिनेट करेंगे मसालों के अंदर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड पेपर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, 1/2 कप योगर्ट, और ये सरसों का तेल पड़ेगा इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप। अगर आप सरसों का तेल पसंद नहीं करते तो आप रेगुलर तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है वाइट क्यूमन सीड पाउडर है, इसको भूनेंगे और जब ये कबाब बन के तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर से डाल देंगे। और ये मीडियम अनियन, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ब्राउन करेंगे। तो बेसिकली आइडिया ये है कि इसको मैरिनेट करेंगे तमाम मसाले डाल के, ये सारे मसाले और ऑयल, तकरीबन 2 घंटे फ्रिज के अंदर, मे बी 3 घंटे, 3 आवर्स। तो जब ये 3 आवर गुजर जाएंगे तो आप आफ्टर 3 आवर्स मिंस द अनियन, ब्राउन इट इन ए पैन, हैवी पैन हो नीचे का तो अच्छा है, विद ए हैवी बॉटम, एड मैरिनेटेड बीफ कबाब इन देयर एंड कुक फॉर अबाउट 10 मिनट्स ऑन लो हीट। उसके बाद उसको भूनना पड़ेगा थोड़ा सा, जब तक के सेपरेट ना हो जाए, ऑयल एंड मीट विल बी सेपरेटेड। व्हेन इट इज डन, क्यूमन को थोड़ा सा रोस्ट करके इसके ऊपर से डाल देंगे और बेहतरीन कबाब तैयार हो जाएंगे। यू विल एंजॉय इट विद राइस और विद नान और व्हाटएवर अदर यू नो फूड यू कैन ऐड दैट, अमेजिंगली टेस्टिंग। पानी है ओके, तकरीबन 40-45 मिनट्स हो चुके हैं, तो ये पानी तकरीबन सूख गया इसका और गोश्त डेफिनेटली गल चुका होगा। अब इसको हमने भूनना है मे बी अराउंड 10 मिनट्स। तो ये मसाला और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये तकरीबन
गोश्त आपका भुन गया है बिल्कुल एकदम। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और इसके ऊपर भुना हुआ सफ़ेद जीरा जो भुना हुआ है वो ऊपर से डाल के और इसको गार्निश कर लेंगे अनियन टमेटो सिलान्ट्रो जो कि हरा धनिया होता है और अगर आपको अच्छी लगे तो हरी मिर्च भी साथ में रख सकते हैं। तो कबाब आर डन। तो ये मसाला जो वाइट क्यूमन है इसको थोड़ा सा भून लिया है तो बेसिकली इसमें स्मोकिंग आ जाएगी तो इसमें आप डाल दें इसको। इसको मिक्स कर लें। दूसरा ये कि आप इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं। तो ये कबाब बन चुका है हांडी कबाब। हांडी कबाब बन के बिल्कुल तैयार। इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा हांडी कबाब बीफ का तैयार है फाट कबाब और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है खाने में बिल्कुल ज़बरदस्त लगेगा। इसको आप पराठे के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए उसमें रायता डाल के या इसका सैंडविच भी बना सकते हैं। इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं और ये पार्टी की डिश भी है ज़बरदस्त। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल वॉचिंग माई वीडियो। इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट डालें कि आपको कैसा लगा। I really appreciate it. Nadeem, aapka chef from Mazedar Kitchen. I'll see you next time with another recipe. Bye-bye.